हाई, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। आज के सेशन में बात कर रहे हैं अबाउट दिल्ली व्हीकल ओनर्स। अगर आप दिल्ली मार्केट से बिलोंग करते हैं और पुरानी डीजल कार आपके पास है जिसकी लाइफ 10 इयर्स हो चुकी है या होने वाली है, तो जान लीजिए जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, NGT है, उन्होंने ऑर्डर पास कर रखा है कि 10 ईयर ओल्ड डीजल कार्स को दिल्ली के अंदर आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं, और अगर आप ड्राइव करते हुए पकड़े गए, ट्रैफिक पुलिस ने देख लिया और आप पकड़ लिया, तो आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी। या अगर आपके पास पेट्रोल कार है जिसकी लाइफ 15 साल होने वाली है या हो चुकी है, या आपने उसको मॉडिफाई कर रखा है इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली ग्रीन फ्यूल लाइक LPG और CNG, तो उन 15 साल पुरानी गाड़ियों का भी फिटनेस सर्टिफिकेट रीइश्यू नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केस में आपके पास क्या ऑप्शंस उपलब्ध हैं? देखिए, आप लोग जानते हैं कि दिल्ली हैज एमर्ज एज अ मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, और इसीलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने ऑर्डर पास किया है कि दिल्ली में जो पुरानी गाड़ियां हैं, बिकॉज उनमें जो NOx लेवल्स हैं या PM लेवल है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा एमिट होता है, पॉल्यूटेंस ज़्यादा क्रिएट करते हैं, इसीलिए उस पर बैन लगाने की एक मुहिम जारी की थी, और इसी का इम्पैक्ट अब कंज्यूमर्स को ज़्यादा महसूस हो रहा है। अब सोचिए, जिसके पास 2009 की टोयोटा फॉर्चुनर है, इनोवा है, स्विफ्ट डीजल है, डिज़ायर डीजल है, वो क्या करे? अगर वो न्यू कार डीलर के पास जाता है फॉर आस्किंग फॉर एन एक्सचेंज, तो वो पुरानी गाड़ी की एक्सचेंज के अंदर उसको स्क्रैप वैल्यू ऑफर करता है। तो आपको क्या करना चाहिए इस केस में? देखिए, इस रूल को तो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, दिल्ली में क्लियर कट बैन है। आपके पास दिल्ली नंबर की कार क्या किसी और भी सिटी की कार है, रजिस्टर्ड कार है, उसको भी आप दिल्ली में नहीं चला सकते हैं बेसिस द बैन। अगर चलाएंगे और ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, दे कैन इमीडिएटली सीज द व्हीकल। नाउ व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ दिस कार? अब देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, पैनिक सेलिंग कर देते हैं। पैनिक सेलिंग क्या होता है, ब्रोकर को कांटेक्ट करते हैं, भाई ये गाड़ी निकालनी है, क्या वैल्यू देगा? सपोज फॉर्चुनर की वैल्यू 5 लाख रुपये बनती है, वो आपको ऑफर करता है 2 लाख रुपए दूंगा, तो मन में आएगा चलो 50,000 रुपए की स्क्रैप वैल्यू से तो अच्छा है। यू मे पॉसिबली हैंड ओवर द कार टू द ब्रोकर विदाउट इवन वेरीफाइंग कि वो गाड़ी आगे ट्रांसफर होती है या नहीं होती है। बॉस, उस केस में रिस्क आपका है, बिकॉज कल अगर उस गाड़ी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो RTO में जो नाम है वो आपके नाम पे गाड़ी चढ़ी हुई है, अगर वो गाड़ी ट्रांसफर नहीं होती है द पुलिस विल कैच होल्ड ऑफ यू। तो इस चीज के बारे में जान लीजिए, कोई भी पुरानी गाड़ी को दूसरे शहर में आप बेचते हैं, इंश्योर करिए कि कार की जो RC है वो ज़रूर ट्रांसफ़र हो, और उसके लिए बायर के डॉक्यूमेंट्स ज़रूर वेरीफाई कर लें। विदाउट हैविंग द बायर इन प्लेस, नेवर एवर सेल योर कार इन अदर सिटी, वो पहली चीज। नंबर 2, पैनिक सेलिंग ना करें, दिल्ली में भी रूलिंग है, अगर आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी हो भी चुकी है तब भी आपको NOC मिल जाएगी। NOC क्या होती है, दूसरे शहर में आप गाड़ी बेचना चाहते हैं, यू कैन स्टिल सेल योर कार इन अदर सिटी, लेकिन वो कौन से शहर है जहाँ पे गाड़ी बेच सकते हैं, या कौन से शहर है जहाँ पे गाड़ी नहीं बेच सकते हैं, यानी वो NOC वहाँ पे वैलिड नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश जो दिल्ली के नियर बाय आपको स्टेट है, उसमें स्पेसिफिक सिटीज़ स्क्रीन पे आप लिस्ट चेक कर पा रहे होंगे, बिहार, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ हैं, वहाँ पे आके आप गाड़ी बेच सकते हैं, प्रोवाइडेड गाड़ी की जो NOC है वो आप इशू करवाते हैं। वेस्ट बंगाल और राजस्थान में भी आप गाड़ी आगे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, वेस्ट बंगाल में कोलकाता को छोड़ के राजस्थान में अक्रॉस ऑल सिटीज़ में आप गाड़ी आगे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो नटशेल में ब्रीफ करूं, 3 ज़रूरी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ओनली इन दिस स्पेसिफिक सिटीज़, जैसे UP मैंने बताया, बिहार बताया, और दूर दराज में आप वेस्ट बंगाल में, आप राजस्थान में अपनी गाड़ी बेच सकते हैं, पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में गाड़ी नहीं बिकेगी, बिकॉज वहाँ पे गाड़ी आप रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, वो आप जान लीजिए। दूसरी चीज़, भले ही आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी हो चुकी है, NOC आप अपनी गाड़ी की इशू करवा सकते हैं, डैट विल बी वैलिड फॉर 30 डेज। एंड नंबर 3, प्लीज़ डू इंश्योर कि बायर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप क्रॉस चेक कर सकें, बिकॉज बिना बायर के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके गाड़ी आप आगे बेचते हैं तो बॉस रिस्क आपका है। गाड़ी अगर ट्रांसफ़र नहीं हुई, रजिस्टर नहीं हुई, इन दैट केस कुछ हादसा हो जाता है तो वो हादसे पे आप ही का नाम आएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इफ इन केस यू लाइक द वीडियो, वीडियो को अपलोड करिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल माइक अप्लाई को फॉलो करिए।